हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको टैली के अंदर कि आप इंक्लूसिव ऑफ टैक्स की एंट्री की सेल्स इनवॉइस कैसे क्रिएट करेंगे टैली के अंदर। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ऑलरेडी मेरी वीडियो आ चुकी है नेट पर, लेकिन किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर मैं बिल्कुल ही कैलकुलेट नहीं करना चाहूँ, मतलब हर चीज़ मेरी टैली ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करे, तो उसके लिए आपने एंट्री नहीं बताई, जबकि मैंने उसमें ये बात एक्सप्लेन कर दी थी लेकिन मैंने एंट्री नहीं करके दिखाई थी। तो वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं सेल्स वाउचर के अंदर हूँ। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्टिवेट करना है कॉन्फिगर में जाकर, F12 प्रेस करके। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्ट्रेचरी ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर आपको अलाउ एंट्री ऑफ रेट्स इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, इसे यस कर देना है। तब आपके में यहाँ पर ये एक कॉलम ऐड हो जाएगा रेट का, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का। उसके बाद यहाँ पर आप कैश ही ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक आइटम लेता हूँ जो 18% मैंने उसमें डिफाइन किया हुआ है टैक्स रेट उस आइटम में क्रिएट करते वक्त। उसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी गोडाउन ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं 2 पीस लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि परचेज़ की एंट्री नहीं मारी है। अब मान के चलिए यहाँ पर आपने 200 रुपये जो आपके MRP है गुड्स की वो डाल दी, तो उसके बाद ये आपको उसमें से टैक्स जो मान लीजिए 18% का, तो 18% जो टैक्स GST है वो इसमें से वो हटा देगा, मतलब इसमें से माइनस कर देगा। उसके बाद जो आपका अमाउंट बचेगा वो आपको रेट में यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करूँ, अब मुझे 30% डिस्काउंट भी देना है, ये तो हुआ कि इसने सिर्फ टैक्स रेट हटाया, वो तो आपका टैक्स वापस जब आप CGST SGST का लेजर लेंगे तो वापस से कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो आप पार्टी को सेल करेंगे, तो आपने तो कोई डिस्काउंट दिया नहीं, तो डिस्काउंट देने के लिए आप यहाँ पर 30 लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 30% हो जाएगा। ये कॉलम कैसे आएगा वो मैं दिखा दूंगा, ऐसे तो मैंने पिछले वीडियोज़ में दिखा दिया लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में भी दिखा दूंगा। अब आपका ये उस हिसाब से कैलकुलेट हो गया। ये जो 30% घटा है आपका, वो घटा है आपका ये जो रेट में आपको 169 रुपया 49 पैसा करके दिखा रहा है अमाउंट, इसके ऊपर 30 पैसा घटा है, और ये 200 रुपये आपकी MRP हो गई। ये आपका जो रेट है, ये आपका इसमें टैक्स लेस करके लेस है, मतलब जो 18% टैक्स लगी है GST वो आपकी इसमें लेस हो गई, क्योंकि वो तो आप नीचे में चार्ज करेंगे। और उसके बाद आपने 30% वहाँ पर डिस्काउंट भी दे दिया, उसके हिसाब से आपका अमाउंट आ गया। अब यहाँ पर आप आ जाइए, उसके बाद आप नेक्स्ट आइटम भी डाल सकते हैं जो आपको डालना हो। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल सिर्फ एक ही ले रहा हूँ, CGST SGST सब मैं यहाँ पर कॉमन लेजर यूज़ कर रहा हूँ। आपको मल्टीपल लेजर यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं, वो मैंने अपने पिछले वीडियो में डिफाइन कर ही दिया है। मेरे कई वीडियोज़ में वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप लेंगे वो सब। यहाँ पर आप राउंड ऑफ कर देंगे माइनस, या आप मैनुअल भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे सेट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ मैनुअल दिखा रहा हूँ, मैं इसे सेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बात आपको एक्सप्लेन कर दी है कई सारे वीडियोस के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से, यही बात मैंने अपने उस वीडियो में नहीं बताई थी डिस्काउंट देने की, वहाँ पर मैंने कहा था कि आप मैनुअली यहाँ पर जो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, यहाँ पर 30% आप 200 रुपये में लेस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका 140 हो जाता, 140 हो जाता। तो उसके बाद आपका उस 100 यहाँ पर ये जो आपका अमाउंट आता रेट में, यहाँ पर आपका उसमें से टैक्स रेट घट के आता है अमाउंट, ठीक है। उसके बाद आप टैक्स चार्ज करते, लेकिन इसमें क्या है कि आपको बिल्कुल भी 30% या कोई भी जो परसेंटेज है वो आपको मैनुअल कैलकुलेट करके लेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको MRP डालनी है, उसके बाद ये टैक्स रेट जो आपका टैक्स उसके ऊपर बनता है, मतलब उसके अंदर जो इंक्लूडेड है MRP के अंदर, वो उसमें से वो घटा लेगा। घटाने के बाद आप उस पर जो डिस्काउंट देना चाहते हैं वो डिस्काउंट यहाँ पर इंटर कर दें, ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा। इस टोटल अमाउंट के ऊपर आपका ये जो CGST और SGST चार्ज होगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एंट्री को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप ये डिस्काउंट का कॉलम कैसे लाएंगे। तो F11 प्रेस करें, फीचर्स में जाएँ, फीचर्स में जाने के बाद आप यहाँ पर आ जाएं F2 में, इन्वेंट्री फीचर्स में। यहाँ पर आप आएंगे, एक सेकेंड, मैं आपको, थोड़ी टैली मेरी स्लो चल रही है इसी कारण आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका ये जो इन्वेंट्री फीचर्स है, इसमें यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसे आप यस कर लेंगे फ्रेंड्स, तब आपके में वो डिस्काउंट का कॉलम आ जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपके में कभी सेल्स इनवॉइस में आइटम वाइज इनवॉइस नहीं है, मतलब आइटम इनवॉइस नहीं है, सिर्फ अकाउंटिंग इनवॉइस के रूप में रहे या वाउचर इनवॉइस के रूप में रहे, और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि वहाँ पर वो ऑप्शंस भी नहीं आ रहे हैं आपके सेल्स वाउचर परचेज वाउचर में, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ये इनेबल इनवॉइस इसे यस करेंगे, और रिकॉर्ड परचेज इनवॉइस इन इनवॉइस मोड इसे यस करेंगे, तो आपके वो इनवॉइस मोड की तरह आएगी, अदरवाइज़ वो वाउचर मोड में होगी, तो इसे भी आप यस रखें हमेशा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ये बात एक्सप्लेन नहीं की थी 30% की। वहाँ मैंने कहा था कि आप 140 रुपये यहाँ पहले ही लिख दीजिए, यानी कि 200 रुपये के ऊपर 30% ले
लेस करेंगे तो 60 रुपये लेस हो जाएंगे, तो 140 रुपये आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये आपको अपने आप उसके हिसाब से रेट कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन आपको यहाँ पर मैनुअल करना पड़ा था, इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपको मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं, आप 30% यहाँ पर डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये मुझसे किसी ने कॉमेंट में पूछा था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँ ताकि जिन जिन को भी ये प्रॉब्लम्स है उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।